असल में जिस एरिया में काम कर रहा हूँ ये बलूचिस्तान का वो एरिया है जहाँ के ऊपर पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, यहाँ बिल्कुल कैजुअल ड्रेस के अंदर सारा तरीके से बैठना पड़ता है, वरना यहाँ के जो एरिया के मुकामी जो लोग होते हैं वो आगे पूछने छोड़ जाए आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पता है उनके इस एरिया में पत्थर और मैंडल्स और जवाहरात पाए जाते हैं। पानी है, कांटे इसमें लग रहे हैं, जगह ख़तरनाक है। असल में मसला ये कि इसमें दूसरे कीड़े ये इलाके में ज़बरदस्त जगह मुझे मिल गई है और यहाँ पर मैं तलाश कर आया हूँ पत्थरों की। ये देखो वाओ ज़बरदस्त अमेजिंग, ये देखो ये है लकी शान और कुदरत। और यहाँ इसके ऊपर हम ये देखें इस तरह से ओपन मिलेंगे, प्लीज पानी नहीं है। ये देखें क्या अल्लाह की कुदरत और शान है, कलर देखें कितने हसीन और खूबसूरत हैं। नाजी मैं हूँ आप मुखातिब आपसे मोहम्मद आसिफ इंतखाब नगी। दो दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद एक जगह मेरे पहुँच गए हूँ जहाँ पर पत्थर ही पत्थर है माशाल्लाह से। और ये देखें ये छुपी हुई चीज़ों में देखें आप इसका हालत देखें, इन पत्थरों को मैंने तलाश करने के लिए घोड़े खोल दिए और आज उस जगह माय गॉड अभी देखें ये खून निकल चुका है मेरे हाथ में, ये हाथ मेरा ज़ख्मी है, ये ज़ख्मी है, हैंड ग्लव्स पहनता हूँ उस तक के अंदर जो है ये चीज़ें घुस जाती हैं। तो ये देखें मिट्टी के अंदर से ये निकल रहे हैं स्पेसिमेंस। ये मट्टी के अंदर देखें कैसी चीज़ें दबी हुई हैं, ये वाओ पूरा एरिया ही जो इसी से ही ये देखें ये भी चीज़ें जमा कर रहा हूँ। जबकि एक सेकंड मैं पीछे और रखूँ यहाँ को जहाँ हाथ लगाओ वहाँ चीज़ें मौजूद हैं। तो ये तो पानी से निकाल के मैं देखाऊंगा, ये देखिए ये देखिए वाओ अमेजिंग, वजन काफ़ी हो गया इसका और मैं इसको अपने पास यहाँ रखूँ। ओ माय गॉड तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं अब ये देखें आप सुबह जब मैं निकला तो इस कदर शदीद सर्दी में था कि मुझे तीन तीन कपड़े पहनने पड़ रहे थे और अब इस वक्त ये हाल है कि मुझे कपड़े उतारना पड़ रहे हैं। ये देखें ये आप इससे ज़्यादा क्या जीने दिखाऊँ मैं, ये देखें आप पत्थरी पत्थर हैं यहाँ पर जहाँ मिलती हैं इस कदर चीज़ें माशाल्लाह से मिलती हैं और कदर अल्लाह ताला की कुदरत और हमद सना बयान करने में दिल चाहता है। मैंने कहा था बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाह नूर समावाते वलर, तो अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है। और ये देखें ये बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ रही, ये सामने से ही सब चीज़ें बरामद हो रही हैं। ये सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं और मैं 100 बरस के सामान में लगा पड़ा हूँ। ये देखें अब बताएं इसको किस तरीके से वो किए जाए, ये देखें ये खोदो और हाथ से ही तोड़ के ही निकाल लो, ये है अल्लाह ताला की शान ने अजीमी। मैं देखें इसको मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ, असल में काफ़ी सामान जमा हो गया और ज़रा सा इस पर पानी डलेगा तो ये फिर भी आपके सामने निखर आएंगे एकदम।
चकमक आप देखिए, पूरे खुदा की देखिए और चकमक देखिए। ये सामान मैंने अभी अभी के अंदर बरामद किया है। और अभी मिट्टी में दबा हुआ है, ये नहीं कि ये नहीं है, ये रहा, ये पीछे दबे हुए हैं, ये रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इस पूरी वादी गतीरे पूरी ज़मीन के अंदर आपके मिलेंगे। लोग बड़े हैरान होते हैं, यार यासिफ साहब ये कैसे मिलते होंगे। मैंने भाई साथ चलो, मेहनत करो, दो चार साल लगाओगे तो उसे बात पता चलेगा ये पत्थर किस तरह से मिलते हैं। एक दिन में, एक घंटे में तो मिलते नहीं हैं। अच्छा कहीं एक ही मुकाम पर मिलेंगे ये भी बता दूँ मैं, ये नहीं कि पूरी माइन चली आ रही है, ये पूरी एक रग थी जो मेरे हाथ में आ गई है और ये मैं आपको निकाल के दिखाई चला जा रहा हूँ। ये देखें पूरी रग है ये, जिसमें से सामान निकाला है। एक ये सब मैंने इसमें डाल दिया, तो इस तरीके से सारा जमा शुदा सामान ये इधर आ गया। अब ये घर पर जाऊँगा इंशाल्लाह, इसको धो साफ़ सुथरा करके फिर ये आपको दिखाया दिया मैंने आपको क्या क्या चीज़ें थी। हाथ धो ये है देखें, हाथ मेरे जगह जगह से ज़ख्मी हुए हैं और यकीन करें हफ्तों ही ज़ख्म मेरे रहते हैं हफ्तों। तो ये देखिए आपके सामने इस पर जो मैंने चीज़ें निकाली हैं और मज़ीद मैं आपके सामने निकालता जाऊँगा। ये देखेंगे जब नज़र आना शुरू होंगी तो नज़र आती ही चली जाएंगी। और देखिए ये देखिए, देखने वालों की आँखें होनी चाहिए, चीज़ें बहुत पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये पूरी समझ लें कि इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ आपको ये मेंडल से ही मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ मुझे मिल गया है और मजीद तलाश चाहिए। क्या खूबसूरत जगह है भाई, वो ये देखें आप, वाह पानी देखें आप। ये मैं आपको चीज़ें दिखाऊं, मेरा काम शुरू हो गया। ये देखिए ये के स्टिल एकदम आई क्लीन जैसा होता है ना, ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े। कुर्बान जाऊँ अल्लाह की, हम तो सुना जितनी करूँ उतना कम है। ये देखें मैं आपसे कहता हूँ ना, ये जहाँ पे ये पत्थर इसके नीचे दबे हुए हैं, ये पीस यहाँ पर मिला और एक पीस ये रहा, ये रहा, ये सब चीज़ में जमा करता जा। जवाब नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त वाइट और येलो दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे येलो टोपास और वाइट टोपास। बिल्कुल क्रिस्टल पीस है, बहुत खूबसूरत स्पेसिमेंस है और ये घर में डेकोरेशन किए जा सकते हैं, नगीने भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसे नगीने मैंने इससे पहले नहीं देखे हैं। ये आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी जगह मिली है जिसको मैं देख रहा हूँ। वाह भाई वाह, जवाब नहीं, ऐसे क्रिस्टल बहुत कम मिलते हैं यार जिंदगी में, पहली दफा मुझे मिलेगी भी। और इस पर इंशाल्लाह मैं देखाऊंगा आपको, साफ सुथरा माल है अंदर, चूँकि टेप टेक से ऐसी गुदाई करना पड़ेगी। ये पीस हो गया आया। तो नाज़रीन अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है, पूरे से खोद के बाहर निकाल रहे हैं। तो मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी कि यहाँ पर बहुत शानदार जगह में पहुँच चुका हूँ और पूरा दिन आज मेरा इसी माइनिंग के ऊपर ही सफ़ हो जाएगा, क्योंकि पीस अंदर तक माल भरा पड़ा है यहाँ। ये देखें